हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राजमा तो सभी के घर में बनता होगा, पर आज जो मैं राजमा बनाने की एक ट्रिक बता रही हूँ उससे ना ये राजमा स्वाद में दुगना से तिगुना हो जाता है। तो जैसे भी रात भर हम इसको ओवरनाइट सोक करके और जब बनाना है 3 से 4 सीटी लगा लेंगे। और इसके लिए एक मसाला तैयार कर लेंगे, पर सबसे मेन चीज़ जो है राजमा बनाने के लिए ना, ये बाजार वाला जो राजमा मसाला आता है वो ले लेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल लेंगे और 1 कप दूध में इसको भिगो के रख देंगे। जितनी देर में राजमा उबलेगा और हमारा मसाला रेडी होगा, मतलब प्याज लहसुन वाला जो मसाला है वो रेडी होगा, तब तक ये अच्छे से फूल जाएगा। तो ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है दूध, जो राजमा के स्वाद को 2 से 4 गुना बढ़ा देगा। आप भी ट्राई करके देखिएगा, मसाले को पहले से जो भी नॉर्मल मसाला आप डालते हो, और अगर राजमा मसाला मिल जाए तो और भी अच्छा है। ये इसको दूध में भिगो के 10-15 मिनट से आधे घंटा रख दीजिएगा, राजमा का स्वाद जो है वो 2 से 4 गुना बढ़ जाएगा। तो नॉर्मल फिर सारा प्रोसेस वैसे ही करेंगे। एक तड़का लगाएंगे सरसों के तेल में, और प्याज लहसुन टमाटर अदरक का जो मसाला बनाया था उसको कढ़ाई में डाल देंगे और उसको अच्छे से भून लेंगे। और जब ये अच्छे से भुन जाएगा आपको लगेगा कि इसकी स्मेल जा चुकी है कच्चेपन की, और फिर हम ये अपना दूध में भिगोया हुआ जो मसाला था वो डाल देंगे। जनरली लोग पानी में भिगो के मसाला सब्जी वगैरह में जब डालते हैं तो उस तरह से भी बनाते हैं, पर आप एक बार दूध में डाल के इस मसाले को भिगो दीजिएगा और उसके बाद बनाइएगा। ये वाकई बहुत टेस्टी बनता है, बहुत अच्छा बनता है। रेगुलर राजमा को ही आपके 2 से 4 लेवल और टेस्टी बना देगा। तो यहाँ मेरा राजमा में भी सीटी लग चुकी है, अच्छे से पक गया था, तो एक बार चेक कर लेते हैं। ये अच्छे से हो गया है। अब जो हमने मसाला जो भूना था वो इसमें डाल देंगे और अच्छे से कढ़ाई में से पूरा निकाल लेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा अरोमा और एसेंस इस कढ़ाई में भी रहता है, क्योंकि मसाला प्रॉपर अच्छे तरीके से हमने भूना है। और थोड़ा सा डालेंगे चीनी, बहुत ज़्यादा नहीं, राजमा को मीठा नहीं करना है, बस स्वाद को बैलेंस करना है। ऊपर से डालेंगे ढेर सारा कटा हुआ धनिया और अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा देर इसको खौलाएंगे अच्छे से, जितनी भी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए गाढ़े और पतले की, और राजमा बनके एकदम तैयार है। बाय।